बांका के चानन पुल की सोमवार को एक तरफ आधारशिला रखी जा रही थी, तो वहीं दूसरे छोर के निकट पुलिस प्रशासन के विरुद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। मुख्य सड़क पर टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश उग्र था। मालूम है कि कुछ दिन पूर्व भी स्थानीय लोगों के द्वारा बमबाजी की घटना की गई थी। असामाजिक तत्व के लोग भी पकड़े गए थे, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इसी बीच ग्रामीणों को सूचना मिली कि पकड़े गए असामाजिक लोगों को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। इसी के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिलान्यास के दूसरे छोर पर हंगामा कर रहे थे। डायवर्सन का काम तो मैंने एक महीने का समय दिया था अधिकारियों, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि 20 दिन में बना देंगे और गाड़ी चलने लगेगी और पुल एक बरस के अंदर तैयार हो जाएगा। और जितनी बात हमने कहा उससे ज़्यादा बातें विभाग ने और विभाग के मंत्री ने लगातार आपके सामने रखने का काम किया है कि बांका कितना महत्वपूर्ण जगह है और बांका के लिए ये श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चल रही है बिहार की सरकार, तो ये पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी ने किस प्रकार इस बांका को महत्व दिया है वो आपसे नहीं छिपा है। और लगातार उनके अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना साहब ने बांका के बारे में विस्तारपूर्वक आपको बताया भी है। जो भी सड़कें बचाए उनका निर्माण का काम सब पूरा होगा, बाईपास का काम पूरा होगा और ये जो देखते हैं ना डायवर्सन ये भी जल्द होगा और पुल का काम भी जितना समय लगना चाहिए उससे आधे समय में इस पुल का निर्माण का काम पूरा। कितने की लागत से हो रहा है सर? 58 करोड़ रुपया से पुल का निर्माण का काम होगा, जो आपके सामने अभी विभाग ने बताया, आपने भी सुना हमने भी सुना। और ये जो डायवर्सन है इसका भी काम तेजी से होगा। थोड़ा सब लोग बांकावासी, बांका के जिलावासी, बांका मतलब बांका नहीं, बांका के जिलावासी पूरा मदद करिए। विभागों ने कहा भी है और यहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे यहाँ, चाहे आरक्षित अधीक्षक हो या जिलाधिकारी, सब लोग चाहते हैं इसको जल्द से जल्द निर्माण हो। और हमारे नौजवान जिलाधिकारी ने भी काफ़ी प्रयास किया है इस पुल के निर्माण के लिए, इसमें कहीं दो बात नहीं। इसलिए सबको पथ निर्माण विभाग के साथ साथ सारे अधिकारी सहित यहाँ बांका के सभी सरकारी अधिकारी के साथ साथ अपने सभी प्रतिनिधियों के साथ साथ बांका जिलावासियों को पूरा पूरा धन्यवाद। बांका जिला के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव के ग्रामीण उस वक्त आक्रोशित हो गए जब बाराहाट पुलिस ने एक अपराधी को छोड़ दिया, जबकि अपराधी को ग्रामीणों ने ही पुलिस के हवाले किया था। पूछताछ के क्रम में अपराधी ने कई लोगों के नाम भी बताए थे, इसके बावजूद भी छोड़ दिया गया। इसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, टायर जलाकर सड़क को जाम करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ दिन पूर्व भी शंकरपुर के पास कुछ अपराधियों ने बमबाजी की थी। बमबाजी में शामिल एक अपराधी को शंकरपुर के ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसे पुलिस के द्वारा सोमवार को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया, जिसके बाद एसडीपीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और जाम हटवाया और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। रीगा गांव के ग्रामीण श्याम प्रसाद सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी शंकरपुर के पास बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें शामिल एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उसने पुलिस को कई अपराधियों के नाम भी बताए, उसके बावजूद बाराहाट पुलिस ने उस अपराधी को छोड़ दिया। आगे बताया गया कि शंकरपुर के आसपास जितने भी अपराध की घटनाएं होती हैं सभी में खड़िहारा अपराधी शामिल होते हैं। पुलिस के द्वारा जिसे छोड़ा गया था वह अभी खड़िहारा का ही रहने वाला था। इसके विरोध में ग्रामीणों ने शंकरपुर के पास सड़क जाम किया है। हमारी मांग है कि पुलिस अगर हरकत में नहीं आती और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तो जनता जागेगी और अपना काम स्वयं करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी बांका पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। मामला ये है कि सर हम लोग एक अपराधी को जो बमबाजी करने वाला व्यक्ति था बमबाजी किया, घटना किया और उसमें से हम लोग एक अपराधी को पकड़े। अपराधी को पकड़ने के बाद प्रशासन को हम लोग ने सूचित किया, प्रशासन भी आए और उसके बाद जो है प्रशासन को जब उसको दिए तो बोला कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन उसको सेम डे ही छोड़ दिया उसी दिन, जबकि उस अपराधी ने कई लोगों का नाम बताया। अपराधी कहाँ का था? सारा खड़ियारा का था और यहाँ पे जितना भी क्राइम होता है यहाँ पे शंकरपुर से लेकर के इस क्षेत्र में जो भी क्राइम होता है वो खड़ियारा वाला ही करता है। तो आप किस मांग को लेके आप लोगों ने सड़क जाम किया? ये मांग हम लोग का ये है कि अगर प्रशासन हरकत में नहीं आई, प्रशासन इस पे अमल नहीं करता है, हम लोग जनता जागेंगे और उसके बाद जो होगा तो फिर।
बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में मुहर्रम के दिन एक ही पक्ष के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने बमबाजी कर दहशत फैला दिया। इस घटना में एक किशोर और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण लॉकडाउन की वजह से सांकेतिक रूप से ही पहलाम कर रहे थे। वहीं दूसरा पक्ष जुलूस निकालना चाहता था। जब ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं हुए तो दूसरे पक्ष ने मौजूद भीड़ के ऊपर बम से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों ही घायलों को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल मौसी भेजा गया। घटना की सूचना पाकर पंजवारा पुलिस की टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें पंजवारा थाना का एक हवलदार घायल हो गया। पंजवारा थानाध्यक्ष द्वारा घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दिए जाने के बाद बाराहाट एवं बौसी थाने की पुलिस मौके पर भेजी गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए घटना में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस द्वारा 5 पुरुष और 3 महिला को हिरासत में ले लिया गया है। मामले को लेकर बांका SP अरविंद गुप्ता ने बताया कि पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर में एक ही पक्ष के दो गुटों के बीच झड़प की बात सामने आई है, जिसमें 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की तहकीकात की जा रही है, जिसमें 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कैथा टीकर गांव के समीप स्थित जेठोर पहाड़ी में सोमवार के दिन 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की हत्या तेज धारदार हथियार से की गई। शव का पेट और गला रेता हुआ है। वहीं शव के आसपास डिस्पोजल ग्लास, 2 खाली पानी की बोतल, 1 मास्क बिखरा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार के दिन कैथा टीकर गांव के कुछ लोग अपना मवेशी चराने पहाड़ की ओर आए थे। वहीं कुछ ग्रामीणों की नजर झाड़ियों के पास रखे शव की ओर पड़ा। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ शव के पास इकट्ठा हो गई, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अमरपुर थाने में दी। सूचना मिलते ही अमरपुर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी, अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। शव की शिनाख्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। लोगों को गांव में सूचना मिला तो हम लोग यहाँ आके देखे तो डेड बॉडी देखे। अब क्या है नहीं है पहचान में नहीं आ रहा है बॉडी कहाँ का। आप लोग को सूचना कौन दिया? सूचना तो अभी व्हाट्सएप पे गया था तो वही देखे। उसके बाद कुछ आदमी, 1-2 आदमी बोलने लगा कि भाई बॉडी है, बॉडी है पहाड़ पे। हम लोग आके देखे कि भाई बॉडी देखे किसका है। यहाँ पर एक बार और लाश मिला था एक अधेर का, इसी पहाड़ पे। हाँ मतलब यहीं पर मारपीट करके उसको फेंका है, मामला तो यही है। आप लोग को सूचना कैसे मिला? इससे में चरवाहा लोग आता है मवेशी लेके चराने के लिए, तो वो लोग देखा झाड़ी में लाश पड़ा हुआ है। तो उसका पहचान नहीं पहचान नहीं उसका। बांका टाउन क्षेत्र के मजलिसपुर गांव में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार गांव के ही गोपाल यादव की पत्नी सुनीता देवी से बीती रात ही कहा सुनी हुई थी। इसके बाद जब सुबह नीलम देवी पति कांतिलाल यादव घर से अकेली निकली तो उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। पति के द्वारा बगल के ही सुनीता देवी सहित अन्य पर मामले का आरोप लगाया गया है। सुनीता देवी मार लो आरो मत की कहीं ना मार लगे रोड पर भंसा फेंके लोग जमीन में सर बाकी क्योंकि मैं सलाह कह देते ना फेंके मैं मारी कल के एक नाद वो फेंके ला। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के पबई चौक के समीप बाइक एवं ऑटो की टक्कर में बाइक चालक एवं महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। मौके पर विपरीत दिशा से स्कॉर्पियो पर सवार होकर आ रहे पंचायती राज विभाग के कर्मियों ने मानवता का परिचय देते हुए सभी जख्मियों को अपने वाहन पर लादकर प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा जख्मी सलेमपुर निवासी अनिता देवी, जीवन पासवान एवं चिरैया गांव निवासी बाइक चालक जुल्फिकार का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमरपुर की ओर से बाइक सवार तेज गति से पवई की ओर जा रहा था, तभी पवई चौक के समीप अनियंत्रित होकर ऑटो ने धक्का मार दिया। वहीं जख्मियों का प्राथमिक उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है। बांका के कटोरिया में ट्रक से कुचल जाने से एक बाइक पर सवार 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बच्चे के पिता ब्रजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल है, जबकि बाइक पर सवार ब्रजेश सिंह के बहनोई रंजीत सिंह बाल बाल बच गए। घटना सोमवार की रात की है। जानकारी के अनुसार मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहोड़ा गांव निवासी ब्रजेश सिंह अपने 6 वर्षीय पुत्र तथा बांका जिला अंतर्गत बेलहर प्रखंड के धौरी गांव निवासी अपने बहनोई रंजीत सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर सहोड़ा से देवघर जा रहे थे। बाइक रंजीत सिंह चला रहे थे। बांका जिला में बेलहर कटोरिया मार्ग पर सुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत बलसरा मोड़ के पास उनकी बाइक की भिड़ंत एक ट्रक से हो गई।
ट्रक से कुचल जाने से ब्रजेश सिंह के 6 वर्षीय पुत्र आर्यन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वयं ब्रजेश सिंह बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में किसी तरह बचे ब्रजेश के बनोई रंजीत सिंह ने जख्मी को कटोरिया अस्पताल पहुंचाया। बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर हजडिया मार्ग स्थित राजा पोखर के समीप 30 वर्षीय अज्ञात युवक की हत्या कर सबको पुल के नीचे फेंक देने का विभत्स दृश्य सामने आया है। सोमवार की सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को हुई, देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की भारी भीड़ स्टेट हाईवे स्थित घटनास्थल किनारे पड़े सब को देखने के लिए जुट गई। हालांकि सोमवार देर शाम तक सबकी पहचान नहीं हो पाई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव पार्वती धाम के आगे पुलिया के समीप झाड़ियों में युवक का अर्धनग्न शव फेंका हुआ था, जो कमर के नीचे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। देखने से प्रतीत हो रहा था कि बड़ी ही बेरहमी के साथ युवक को रौंदा गया है। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर गोपाल सिंह, थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव, पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को जब्त किया। हालांकि शव के आसपास कोई सामान नहीं मिला जिससे शिनाख्त हो सके। पुलिस ने आसपास के गांव वालों से भी पहचान कराई है, जिसके बाद किसी ने भी शिनाख्त नहीं की। वहीं घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक जगह सड़क को धोया गया था, जिससे लगता है साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से हत्यारों ने वहां पर पानी से धोया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर दी गई होगी, यहां लाकर फेंक दिया होगा जिससे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल बौंसी पुलिस अनुसंधान में जुट गई है।